नमो आदेश गुरु जी के ओम गुरु जी श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश। बड़ा मन को प्रिय आज विषय है, मन को ये विषय बहुत प्रिय है। दूसरे शब्दों में माँ भगवती देवी काली, इनका रूप को बहुत ही उग्र माना जाता है। तो हम सोचते हैं कि काली की उपासना होगी तो मारन मोहन उच्चाटन या फिर रक्षा होगा, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को मंत्र देने वाला हूँ वो माँ का मोहिनी मंत्र है। मतलब माँ काली के मंत्र से आप किसी को भी मोहित कर सकते हो। मैं इसमें आपको तीन मंत्र दूंगा, तीन मंत्र की विधि बताऊंगा। मोहिनी ऐसे भी आजकल बहुत डिमांड में है, लोग मोहिनी का, देखो मोहिनी और वशीकरण में मोहिनी करना ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि मोहिनी का असर जो है वो कर्म पे नहीं पड़ता। वशीकरण जब आप किसी का करते हो ना तो आपके कर्मों पे असर पड़ता है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए वशीकरण जब तक बहुत ही इमरजेंसी ना हो वशीकरण ना करें। पूरा चाहे तो आप मोहिनी कर लो या आकर्षण मंत्र कर लो। अब आकर्षण मंत्र में आकर्षण तिलक भी आप लगा सकते हो, उससे भी लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन मोहिनी का क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति पर या फिर किसी विशेष समाज में अगर आपको दबदबा बनाना है तो मोहिनी का प्रयोग करना चाहिए। उसमें माँ काली का मोहिनी ओहो सबसे बेहतरीन मोहिनी होती है। तो आपको करना क्या है, देखो माँ काली के मोहिनी में एक मात्र जो मोहिनी तिलक होता है उसमें बरदंडी का जड़ लगता है और श्वेत रस, क्या बोलते हैं उसको, घुंगुच्ची का श्वेत रस लगता है। तो ये दोनों चीजों को आप रख लो। इसके अलावा जो बाकी जो दो मंत्र है उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं होता। तो पहला जो मंत्र है वो क्या है, पहला मंत्र को ध्यान से सुनना। मंत्र है ओम नमो भगवती कराली महाकराली ओम महा मोह सम्मोहनीय महाविद्ये जम्भय जम्भय स्तंभय मोहय मोहय मुच्छय मुच्छय क्लेदय क्लेदय आकर्षय आकर्षय पातय पातय कुनरे सम्मोहिनी। और इस मंत्र का जो बीज है वो है एम द्रिम त्रिम त्रोम आगच्छ कराली स्वाहा। इस मंत्र का आप 12,000 जाप करेंगे। कितना जाप? 12,000, ना 12,001 ना 12,002, ठीक है। इसको करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अगर किसी पे मोहिनी चलानी है तो चाहे तो उसके नाम पर एक दिन पहले संकल्प करके हवन कर लो, या कोई सामने बैठ के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो बस उसके सामने बैठो, उसको देखते रहो और ये मन में जाप करो इस मंत्र का। उससे वो आपकी बातों से आकर्षित हो जाएगा और मोहित हो जाएगा और अपना जो भी उसका विषय है उसको भूल जाएगा। दूसरा मोहिनी मंत्र क्या है, दूसरा मोहिनी मंत्र अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ओम ह्रीम कालिम कपालिनी घोर नादिनी विश्वम विमोहे जगन विमोहे सर्व मोहे ठह 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 स्वाहा। ये जो मंत्र है ये होता है मोहिनी तिलक बनाने के लिए। तो जो मैंने आपको घुंगुच्ची का श्वेत रस बोला था उसमें ब्रह्मांडी का ब्रह्मडंडी का जड़ को रगड़ के मिला लो पानी के साथ और उसको जो है इस मंत्र से जाप करके और उसके बाद तिलक लगा लोगे तो जो भी आपके सामने बैठेगा वो आपसे क्या कहते हैं हमेशा आकर्षित रहेगा, हमेशा आपके मन में, मतलब आप उसके मन में आपका एक जगह बना रहेगा। तीसरा मंत्र सुनो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूं श्री पार्श्वनाथाय धीरेन्द्र पद्मावती सहित चिंत चिंतामणि राजा प्रजा मोहिनी सर्वशत्रु निवारणी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का सिर्फ सुबह उठिए और 108 जाप करिए। आप एक दिन में अगर 108 जाप कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा तो वो आपसे मोहित रहेगा। देखो मोहिनी होता क्या है ये समझो, मोहिनी जो है उसका प्रयोग क्या है। मोहिनी का प्रयोग है कि अगर आपके ऑरा या एनर्जी फील्ड में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे रिपेल हो रहा है तो उसको ठीक करना। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो इसको इस तरीके से समझो, आप दुनिया में 10 लोगों से मिलते हो, किसी से मिलते हो तो आपको लगता है वाह वाह ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ तो हमेशा बात करना चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए। वही आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि आप उसको देखोगे, आप उसको जानते नहीं, आपने उससे बात नहीं की, आपको लगेगा यार इससे दूर रहना, ये आदमी ठीक नहीं है। हो सकता है वो आदमी बहुत अच्छा और जो आपको लगा हो कि बहुत अच्छा वो आप बहुत अच्छा ना हो, लेकिन ऐसा आपके मन में एक आता है विचार क्योंकि उसका एनर्जी और आपका एनर्जी
अगर मैच कर जाए तो आप उससे मोहित रहते हैं कि नहीं, ये आदमी ठीक होगा, इससे बात करनी चाहिए, इससे बात व्यवहार बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर वो एनर्जीज आपका सिंक में नहीं आता है, इसका मतलब कि आपको उसको देख करके ही आपको थोड़ा सा एक घृणा भाव होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है कि आप किसी के पास जाओ, आपको लगता है कि उससे बात करना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो आपको देखते ही घृणित हो जाता है, नहीं, इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी। वो क्यों होता है? उसमें आपकी गलती नहीं है, आपके लुक की गलती नहीं है, आपके एजुकेशन का गलती नहीं है, आपका सोसाइटी का गलती नहीं है। गलती होता है आपके आसपास के एनर्जी का, वो जो आपका ऑरा फील्ड है, जो आपने साधना से बनाई, या फिर आप जिस तरीके के लोगों में उठते बैठते हो, उससे क्या होता है कि आपका एक एनर्जी फील्ड बनता है, और वो एनर्जी फील्ड आप कहीं भी जाते हो, आपको लगता है कि मैं रात में कुछ कर लूँ, दिन में कुछ कर लूँ, तो रात पे पता ना चले, और आप रात में कुछ कर लो, दिन में पता ना चले, तो ऐसा नहीं होता। बहुत लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जो ह्यूमन रेस है ये पूरा सेंसिटिव ही है। कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग डेवलप नहीं करते। तो जो डेवलप कर लेते हैं वो तो खैर आपको देखते बोल देंगे कि भैया आपके साथ ये दिक्कत है, ये ऐसा ऐसा करो मत। और जो लोग इस चीज़ की अनुभूति नहीं कर पाते कि आपने क्या गलती कर रखी है, या फिर आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो बैठ रहे हो, या फिर आप पे कौन सा ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, वो बस आपसे दूरी मेंटेन करेगा, क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा कभी। तो वो जो एक एनर्जी में जो गड़बड़ी होती है, उसको सुधारने का उपाय होता है मोहन, मोहिनी विद्या, मतलब लोग मुझसे मोहित रहें। अब क्योंकि आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा मेरा भाषण सुना, तो मैं आप लोगों को एक और मंत्र बताऊंगा, जो कि मोहिनी का है। ये मंत्र का पूरा वीडियो मैंने दे रखा है, और आप लोग इसको ज़रूर से करिएगा। मोहिनी परी की एक बहुत अच्छी साधना है, जाग मोहिनी जोग मोहिनी देख नगर के रूप मोहिनी आवे आधी रात दुहाई मोहिनी परिया के। ये जो मंत्र है, इसका बीज मैंने एक दूसरे वीडियो में दे रखा है, इसको आप लोग करना। इसको करके जो लाभ आपको प्राप्त होगा, वो आप भी बोलोगे कि रुद्र भाई ने कुछ दिया था। लेकिन जनरल डेज में आप अगर आप लोगों को मोहिनी करना है, तो माँ काली के शरण में चले जाओ। जिनको ऐसा लगता है कि माँ काली उग्र देवी हैं, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण, या फिर सुरक्षा देंगी हमें, वो जब ये साधना करेंगे माँ काली का ना, तो उनको एक अनुभूति होगी, उनको समझ में आएगा कि कैसे हर चीज़ जिसको वो चाहते हैं। जैसे बहुत लोग अभी पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जिस चीज़ को भी सोचोगे वो आपके पास आ जाएगी। वो कैसे आती है? वो तब आती है कि उस चीज़ का, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका एनर्जी अगर आपके एनर्जी में सिंक करता है, तभी वो चीज़ आपके पास आती है। वो चाहे धन हो, वो चाहे आध्यात्म हो, वो चाहे ज्ञान हो, या वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो इन सब में, तो आप ये समझ लो कि वो तभी आपके पास आएगा जब आपका एनर्जी उसके साथ सिंक करेगा। इसीलिए आपको हर चीज़ का मंत्र देता है। धन का मंत्र आपको मिलता है, क्या होता है धन के मंत्र से? धन के मंत्र से ये होता है कि जो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी धन का है, और जो आपका मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपका एनर्जी सर्कल है, वो अगर रिपल कर रहा है, तो उसको वो सिंक में ला देता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी धन है वो आपकी तरफ आकर्षित होता है, या फिर आकर्षित ना भी हो तो वो आपसे रिपेल नहीं करता, वो आपसे भागता नहीं है। जो हम लोग आप लोगों को टोटके बताते हैं, उपाय बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं ताकि कुछ भी अगर ऐसा आपके आसपास हो जो कि आपको और आपकी चाहत में जो सामग्री है उसको रोक रहा हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज का टोटका में मैं कुछ मोहिनी से रिलेटेड ही आप लोगों को बताऊंगा। अगले 14 दिन में बहुत अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं बताऊंगा। कल का साधना क्या है? कल का साधना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्र क्योंकि परसों से आ रहा है, तो कल मैं आपको जो देवी भगवती देवी दुर्गा है उनके पूजा का पद्धति, उनके पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, ठीक है, और कैसे कैसे आपको पूजा करना, अगर आप पूरा चंडी पाठ नहीं करते तो, वो पूरा मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। फिर से वही बात, अगर आप लोगों को मेरी किताब पढ़नी है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आप चले जाओ, या किसी बुक स्टोर पर चले जाओ, तो आपको मिल जाएगा। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, अर्जेंसी में उस पर कॉल कर सकते हो, वरना आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, उससे आप डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ काली आप लोगों पे बहुत सारे आशीष बरसाए इस नवरात्र। आप
आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।